चलिए आज अपनी रेलवे स्टेशन वाली मेमोरीज को कर लेते हैं ताजा और बनाते हैं घर पे ही टमाटो सूप। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे अच्छा तो मार्केट से सूप लाके बना लिया होता तो यार ये बता दूं कि घर के सूप की ना बात ही अलग होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले कुकर में जाएगा ऑलिव ऑयल, मक्खन, काली मिर्च, तेज पत्ता, इलायची, यहाँ मैंने एक बड़ी इलायची डाली, और साथ में जाएगा अदरक लहसुन, प्याज, और इनको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। अब इसमें जाएगा लाल लाल टमाटर, गाजर, बीटरूट और धनिया की स्टेम। धनिया की स्टेम डालने से ना इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है। पानी डालेंगे और इसे 2-3 सीटी हो जाने के बाद जब ये गल जाएगा तो इसे ग्राइंड करके छान लेंगे। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको कंसिस्टेंसी रखनी हो उस हिसाब से पानी ऐड करें। साथ में जाएगा नमक, चीनी और कॉर्नफ्लोर स्लरी। कॉर्नफ्लोर स्लरी बिल्कुल ऑप्शनल है यार, नहीं है तो स्किप कर दो। बस 5-6 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पे पकाना है। अब ब्रेड स्लाइसेस को बटर में थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। चाहें तो थोड़ा सा नमक और फ्राई करे हुए गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यार ये गर्मा गर्म सुपर टेस्टी सूप तो बनके तैयार है। आप किसका वेट कर रहे हैं? वीडियो को करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।